गुड मॉर्निंग। और आज के डिवोशन के लिए योहोशू के तीसरे अध्याय में यरदन नदी को पार करना असंभव चीज़ है, लेकिन परमेश्वर योहोशू से कहता है वर्स नंबर 5 में, अपने आप को शुद्ध कर, पवित्र कर। यूहन्ना चैप्टर 17 वर्स नंबर 19 में यीशु मसीह ने कहा कि उसने अपने आप को शुद्ध किया, मैंने आपको सैंक्टिफाई किया। कहने का मकसद क्या है? शुद्ध करने का मकसद क्या है? पवित्रीकरण का मकसद क्या है? मतलब क्या है? अपने आप को अलग करके रखना। मसीह यानी विश्वासियों के लिए अपने आप को अलग करके रखना परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की योजना के लिए। जब हम उद्धार पाते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं, लेकिन पवित्रीकरण एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। पवित्रीकरण का मतलब यह है कि अब मैं अपना नहीं रहा, अब मेरी योजनाएं नहीं है, अब मेरा जीवन अलग करके रखा है, रिजर्व है। जैसे होटल में जाओ और बोले हम लोग 4 लोग खाना खाने, तो अपने टेबल अलग से रिजर्व करके रखते हैं जब तक वो आएंगे नहीं। वैसे हमारा जीवन अभी हमने रिजर्व करके रखा है कि हम पवित्र परमेश्वर की सेवा में रहें। लेकिन कई सारी घटनाएँ हैं, हमारा बीता हुआ कल है, चीज़ें हैं हमारे जीवन में जो होती हैं, वो एक बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है। योहोशू के लिए यरदन नदी बहुत बड़ी रुकावट थी, लेकिन परमेश्वर ने जब उसको कहा कि शुद्ध करो, वाचा का संदूक आगे जाएगा, लेवी आगे जाएंगे, और जब उनका पैर पानी को छुआ तो पानी अलग हो गया। जब हम अपने आप को पवित्रीकरण में मसीह की योजनाओं को आगे रखते हैं, मसीह के मकसद को आगे रखते हैं, तो असंभव बातें भी असंभव नहीं रहती, परमेश्वर उन्हें निकाल देता है। आज ज़रूरत क्या है? और मैंने कुछ लिखे थे कि मैं परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करूँगा मेरी इच्छा से ज़्यादा, मेरी इच्छा के ऊपर मैं परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करूँगा, परमेश्वर की योजना को मैं स्वीकार करूँगा मेरी योजना से ज़्यादा, परमेश्वर की चाहत को मैं स्वीकार करूंगा मेरी चाहतों से ज़्यादा, और परमेश्वर के मार्ग को मैं चुनूंगा मेरे के मार्गों से ज़्यादा। तो इच्छा, योजना, चाहत और मार्ग, ये 4 चीज़ों को हम चुनेंगे, क्योंकि हम विश्वास से चलेंगे, अनदेखी बातों को परमेश्वर पर भरोसे करते हुए चलेंगे, देखी हुई बातों को नहीं। लाइक एक विश्वासी को अब अपने जीवन में ठान लेना है कि नहीं, मैं देखी हुई बातें, गवाही, इन सब चीज़ों से नहीं चलूँगा, मैं विश्वास से चलूँगा, क्योंकि विश्वास ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था कि वाचा का संदूक 2000 फुट आगे होगा, ताकि हर एक यहूदी देख सके कि परमेश्वर की अगुवाई कर रहा है। जब हम विश्वास से चलेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, जब हम विश्वास से नहीं चलेंगे तब हम नहीं देखेंगे कि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। इसलिए मेरी योजनाएं, मेरी इच्छाएं, मेरी चाहतें, मेरे प्लान, इन पर ध्यान नहीं देना, इसके ऊपर परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की बातें चाहते हैं और परमेश्वर के मार्ग हैं जिन पर हमको ध्यान देना है। जीवन में हम कोई भी एरिया में संभव हो ही नहीं सकता कि हम सफलता पाएं जब तक हम परमेश्वर की करुणा को नहीं समझें। जब हम विश्वास से चलेंगे तो हम उसी करुणा को भी पहचान पाएंगे। क्या है करुणा? जिस चीज़ के हम योग्य थे वो परमेश्वर ने हमें नहीं दिया, उसे रोक के रखा। हम दंड के योग्य थे, परमेश्वर ने दंड अपने ऊपर ले लिया। जब उस चीज़ का हमें एहसास होगा, विश्वास से चलना आसान हो जाएगा कि जिस दंड के हम योग्य हैं परमेश्वर हमें देगा नहीं। परमेश्वर को आपके और मेरे प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता कि आपके और मेरे प्रॉब्लम उसकी योजना के बीच में हमारे लिए रुकावट बने, इसलिए उसने प्रॉब्लम अपने ऊपर ले लिया, क्रूस पर उसे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। इसलिए अपने बीते हुए कल के बारे में ज़्यादा बात मत करो, कि तुम्हारा बीते हुए कल के लिए यीशु मसीह ने दंड तो पहले से ही भर दिया तो रहा ही नहीं, तो क्यों हम बीते हुए कल के, हमारी बीते हुए गलतियों के ऊपर ध्यान दें।
करुणा पे ध्यान दो। जब करुणा पे ध्यान दोगे तो विश्वास में चलना आसान हो जाएगा, और जब विश्वास में चलना आसान होगा तो उसको प्रसन्न करना भी आसान हो जाएगा, और जब उसको प्रसन्न करना आसान हो जाएगा तो उसकी इच्छा को स्वीकार करना, उसकी योजना को स्वीकार करना, उसकी चाहत को स्वीकार करना और उसके मार्ग को स्वीकार करना बहुत आसान हो जाएगा। कई बार हम उल्टा सोचते हैं कि पहले हम उसकी योजना को चुनेंगे, फिर अपने आप को पवित्र करेंगे और फिर विश्वास से चलेंगे। नहीं, पहले उसकी करुणा पर ध्यान दो तो विश्वास से चल पाओगे। जब विश्वास से चल पाओगे क्षमता मिलेगी तो अपने बीते हुए कल को याद नहीं करोगे और उसकी उसके मार्गों पर चलना आसान हो जाएगा। जब परमेश्वर ने पत्रस को 18 और 19 और 20 में उसके सरकार किया, कितने शुद्ध थे वो, कितने पवित्र थे वो, बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने उनकी गुनाहों पर ध्यान दिया। परमेश्वर ने पत्र से नहीं कहा तू मुझे नकार देगा, मैं तुझे चुनूंगा नहीं, मैं तुझे चुनूंगा मेरी गलतियों के बावजूद, क्योंकि 15:3 में यीशु से निकल तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो। क्या पत्रस पवित्र था? नहीं, वो तो इनकार करने वाला थोड़ी देर में, लेकिन यीशु मसीह से कह रहा कि तू पवित्र था। आज आप और मैं उस परमेश्वर की नज़रों में हम पवित्र ऑलरेडी हैं। कुछ करके हम पवित्र नहीं बन सकते, क्योंकि हम मसीह में हैं इसलिए हम पवित्र हैं। इस पर ध्यान रखना, क्योंकि कई बार दुश्मन आके आपके कानों में कहेगा तुम पवित्र नहीं हो, तुम अशुद्ध हो। हाँ, हमारे अंदर पापी स्वभाव है, लेकिन मसीह और पिता परमेश्वर की नज़र में हम शुद्ध हैं। अगर शुद्ध ना होते तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं होता, लेकिन है। तो ध्यान दो परमेश्वर पर, करुणा पर, फिर विश्वास से चल पाओ और फिर उसकी योजना, उसकी इच्छा, उसकी चाहत बहुत आसान है। अपने आप को रोकना नहीं, बीते हुए कल को रुकावट बनने देना नहीं। क्यों? तुम मसीह में शुद्ध हो और उस शुद्ध के अनुसार, उस शुद्धता के अनुसार चलो। परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं, यर्दन असंभव नहीं। क्यों? कि हमारी नज़रें उस वेदी पर लगी हैं। जीवन कठिनाइयां हैं लेकिन असंभव नहीं है। क्यों? हमारी नज़रें विश्वास से यीशु मसीह पर लगी हैं। तो उम्मीद करते हैं इस सोच से आप प्रोत्साहित हैं और अपने मन में इस बात को बनाए रखें और भूलना नहीं। इसको कहते हैं स्थानीय सच्चाई, पोजिशनल ट्रूथ। इसमें बने रहें, अपने आप को मजबूत रखें और यीशु मसीह आपको